तो हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही हो गए तो आप सभी का स्वागत है नो लॉन्गर अलो इन अनदर वर्ल्ड के एपिशोड नंबर ट्वेल्व में तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपकी जो है वीडियो को वीडियो के स्टार्टिंग में जो नेफर्टीज होती है वो कुछ बंदों को छूने के लिए जा रही होती है तभी आयशा बोलती कि तुम उसे मत छुओ उसके ऊपर अभी भी मैजिक का जो इफेक्ट है वो जो है इसलिए तुम उसे मत टच करो और इन सभी का मतलब ये है कि यहाँ पे वो लड़की अभी भी है फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये लोग जो है कैसल के अंदर आ जाते हैं तभी यहाँ पे जो वुल्फ होता है वो टंगा होता है और ये बोलता है की आखिरकार तुम लोग यहाँ पे क्यूँ आये हो तभी यहाँ पे जो लड़कियाँ होती है वो उस लड़की से पूछती कि तुम कौन हो जिस पे लड़की बोलती कि मेरा नाम यूना है और मैं दूसरे वर्ल्ड से आई हूँ और मुझे जो वुल्फ है वही जहर लेके आए हुए हैं और जो बंदे हैं वो हमें फॉल जो एंजल है उनके नाम से जानते हैं जिसके बाद जो यूना होती है वो अपने मेजिकल पावर का इस्तेमाल करती है और यहाँ पे बहुत सारे जो स्केलेटन होते हैं उनको जहर ले आती है जिसके बाद ये लोग यहाँ पे स्केलेटन से लड़ना स्टार्ट कर देते है तभी वुल्फ बोलते की तुम ऐसा क्यों कर रही हो जिसपे यूना बोलती की ने कहा था कि हमेशा अपने जो एनिमी है उनको जो है खत्म कर दो इसलिए मैं इनको खत्म कर रही हूँ तभी जो कैट गर्ल होती है वो यहाँ पे एक ही बार में सभी को जो है खत्म कर देती है लेकिन यहाँ पे जो स्केलेटन होते हैं वो फिर से खड़े हो जाते हैं और यहाँ पे यूना बोलती कि ये कभी भी खत्म नहीं होने वाले क्योंकि जो स्केलेटन है वो जो मुझे यहाँ पे गिफ्ट में मिले हैं तभी जो आयशा होती है ये बोलती कि मुझे नहीं पता कि तुम्हारे और जो वुल्फ बीच में क्या हुआ है लेकिन यहाँ पे वुल्फ ने तुम्हें जो टेक्निक है वो जो लोगों की हेल्प करने के लिए सिखाई थी है ना। तो ऐसा क्या कारण है कि तुम वुल्फ से इतनी नफरत करती हो जिसके यूना कहती है कि ठीक है मैं तुमको बताती हूँ फिर हमें जो पास्ट का सीन है वो दिखाया जाता है जहाँ पे यूना बहुत ज्यादा मेहनत कर रही होती है वुल्फ बोलते है कि तुम काफी हार्ड वर्क कर रही हो लेकिन जो तुम्हारी स्किल है वो यहाँ पे लड़ाई में ज्यादा काम नहीं आएगी और साथ ही तुम डायमन जो लोड है उनको भी जो है चैलेंज करने के जो है काबिल नहीं हो लेकिन तुम यहाँ पे जो नॉर्मल जिंदगी है वो जी सकती हो जिस पे यूना बोलती कि नहीं सभी लोग चाहते कि जो डेमन लोड है वो हार जाए इसलिए मैं डेमन लोड को हराऊंगी और इसलिए मैं फाइटिंग करूंगी जिससे वुल्फ बोलते है की फिर तुमको काफी हार्ड वर्क करना होगा और एक दिन तुम्हें इस हार्ड वर्क का जो फल है वो जरूर मिलेगा तुम एक दिन बन जाओगी। लेकिन तुम अपने आप को ज्यादा पुश मत करना फिर यूना कहते कि जिसके बाद वुल्फ ने मुझे यहाँ पे पढ़ाना जो है स्टार्ट रखा लेकिन तभी एक दिन वो लड़की आ गई जिसके बाद सब कुछ चेंज हो गया मास्टर जो है मेरे ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देते थे और साथ ही वो उस लड़की की बहुत ज्यादा जो तारीफ है वो भी किया करते थे लेकिन फिर भी मैंने हार नहीं मानी और मैंने यहाँ पे खुद ही जो ट्रेनिंग है उसको जो स्टार्ट रखा और मैं फाइनली स्ट्रॉन्ग बन गई लेकिन जब मैं मास्टर के पास गई तो मास्टर उस लड़की को कह रहे थे कि तुम्हें जो डमन लोड है उसको जो हरा सकती हो और मुझे लगा कि वो लड़की मुझसे सब कुछ छीन लेगी और उसी पल जो मेरी स्किल है वो एकदम से ब्लास्ट हो गई और यहाँ पे मेरी स्किल पूरी तरह से एक्टिवेट हो गई वैसे अगर वो हादसा नहीं होता तो मेरी जो पावर है वो कभी भी एक्टिवेट जो है नहीं होती और मैंने जो एक इनोसेंट जो लड़की है उसको मार दिया है इसलिए अब मैं इंसान नहीं रही हूँ और ये अपनी स्किल से हमला करने वाली होती है तभी जो सेम्पाई होते हैं वो अपनी कार लेके आ जाते हैं और सेम्पाई बोलते कि मैंने उनको कहा था कि वो मुझे एक अच्छा बेड दे दें लेकिन उन लोगों ने मुझे ये दे दिया सही में वो लोग बहुत ज्यादा ही कमाल के हैं वैसे मुझे माफ कर देना मैंने तुम लोगों की जो बातचीत है उसको जो डिस्टर्ब कर दिया फिर सेम्पाई यूना को देखते हैं और ये बोलते की तुम बिल्कुल सेम दिखती हो और सेम पाई बोलते की तुम्हारी जो सिस्टर है उसने मुझे सब कुछ बता दिया अब तुम बताओ कि आखिरकार जो सच्चाई है वो क्या है और मुझे माफ करना मैंने अभी अपने बारे में कुछ बताया नहीं असल में मैं कोथड़ हूँ और मुझे यहाँ पे जो तुम्हारी स्टोरी है उसे जह लिखना है देखो तुम्हारी जो छोटी बहन है उसने मुझे बताया कि तुम लोग तीन बंदे थे और यहाँ पे जो तुम्हारी छोटी बहन है वो हमेशा जो बीमार है वो जह रहा करती थी और तुम उसकी ध्यान जो हमेशा रखती थी यहीं पर जो उसकी छोटी बहन होती है ये बोलती कि हाँ वो हमेशा मेरा ध्यान रखती थी मैं हर दिन बीमार जो पड़ जाया करती थी वो जो हाई स्कूल में जाना जाती थी लेकिन मेरी वजह से वो जा नहीं पा रही थी शैंपाई कहते कि तुम्हारी बहन के अकॉर्डिंग तुम बहुत ज्यादा ही काइंड हो और इसका मतलब तुम यहाँ पे एक होली जो मदर है वो कहला सकती हो तभी जो यूना होती है वो सीधा हमला करने वाली होती है पाई के ऊपर लेकिन यहाँ पे मिया भी और बाकी बंदे आके उन स्केलेटन को यहाँ से जो हटा देते हैं और जिसके बाद शैम कहता है कि मिस लगता है कि तुम भूल गई कि मैं एक ऑथर हूँ और मैं बिना कहानी पूरी करे हुए यहाँ पे जो मर नहीं सकता हूँ देखो यहाँ पे तुम्हारी बहन ने मुझे बताया कि तुम बहुत ज्यादा काइंड हो लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि असल में तुम कैसी हो तुम्हारे मुँह से जिसपे यूना कहते कि काइंड सही में ये जो है बहुत ज्यादा मजाक है मैं तो अपनी छोटी बहन से हमेशा नफरत करा करती थी लेकिन जब मैं इस वर्ल्ड में आई तो मुझे लगा कि मैं यहाँ पे अपनी जिंदगी जी सकता हूँ लेकिन एक दिन ये जो है यहाँ पे आ गई और इसने मुझसे फिर से सब कुछ जो है छीन लिया पहले की तरह ही यहाँ पे मैं जो भी सोच लू वो हमेशा मुझसे जो है छीन लिया करती थी तभी शैम्पाई बोलते कि ठीक है तुम तो मुझे ये बताओ की आखिरकार तुम तो चाहती क्या हो यहाँ पे जो लड़की है वो सैंपाई के ऊपर हमला कर देती है लेकिन जो वुल्फ है वो सैंपाई को साइड कर देता है और यहाँ पे हमला जो है वुल्फ को लग जाता है और जो वुल्फ होता है वो आधा बूढ़ा हो जाता है और वुल्फ यहाँ पे लड़की को बोल रहा होता है कि मुझे पता नहीं था कि तुम कैसा फील करती हो तभी यहाँ पे जो सेम होते हैं वो बीच में आ जाते हैं और ये बोलते कि तुम इससे बाहर रहो मैंने इस लव स्टोरी के अंदर तुम्हारा कोई भी जो रोल है वो नहीं रखा है इसलिए तुम चुप रहो फिर सेम्पाई बोलते कि बताओ तुम्हें क्या चाहिए तभी यूना सेम के ऊपर हमला कर देती है फिर सेम पाई यूना के पास आते हैं और ये बोलते कि मैंने कहा ना कि मैं कोथड़ कोथडूँ और बिना स्टोरी कम्प्लीट करे मैं यहाँ पे नहीं मरूंगा तो मुझे तुम्हारी जो फीलिंग है उसको जो है जानना है जिसके बाद जो यूना होती है ये बोलती है फिर से हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे यूना बैठी होती है तभी बाहर देखती है और कहती कि बाहर कितना अच्छा मौसम हो रहा है डैड क्या आप बाहर चलेंगे लेकिन इसके जो डैड होते हैं वो इसकी बातों पे ध्यान नहीं देते और वो यहाँ पे जो इकारी है उस पर जो है ध्यान दे रहे होते हैं और ये बोलते कि तुम जल्दी ठीक हो जाना फिर यूना कहते कि नेक्स्ट डे मैं जो है कॉलेज पढ़ने चली गई क्योंकि मेरी बहन की तबीयत थोड़ी सी ठीक थी लेकिन जब मैं वैश्वि आई तो मेरे डैड डॉक्टर को जो है थैंक यू बोल रहे थे तभी यूना के डैड यूना के पास आते हैं और यूना को एक थप्पड़ मारते हैं और ये बोलते कि तुम्हें क्या लगता है कि ये सब मजाक है तुम्हारी वजह से जो तुम्हारी बहन है वो जो आज मर जाती फिर यूना बोलती कि मैं होपलेस हो गई थी और मैं एक ट्रक से टकरा गई और फिर मैं यहाँ पे आ गई लेकिन यहाँ पे आने के बावजूद भी मैंने अपनी जो बहन है उसको जो एक बूढ़ी जो वुमेन है वो बना दिया और इसको जो मारने की कोशिश करी मैंने फिर से वही जो गलती है उसको जो है दोहरा दिया तभी जब वुल्फ होता है ये बोलता है कि मुझे माफ़ करना मैं तुमको पढ़ाने में जी यहाँ पे फेल हो गया फिर से हम पास्ट का सीन देखते हैं जहाँ पे वुल्फ हिकारी को बोलता है कि तुम्हें चूज किया गया है इस वर्ल्ड को जिह बचाने के लिए तभी यूना जो होती है हिकारी के पास आती है और ये बोलती कि तुम्हारी तबीयत कैसी है तो हिकारी बोलती कि मैं अब बिल्कुल ठीक हूँ फिर नेक्स्ट में जो हिकारी होती है यहाँ पे वुल्फ को बोल रही होती है कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बनना चाहती हूँ ताकि मैं यहाँ पे जो डार्क लोड है या फिर किसी और चीज़ से भी यहाँ पे जो लड़ाई कर सकूँ जिसके बाद मैं अपनी बहन की जो रक्षा है वो कर सकूँ जिस पे वुल्फ बोलता है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो लेकिन यहाँ पे तुम इतनी बुरी तरह से इसकी जो रिक्वेस्ट है वो क्यों कर रही हो इकारी बोलते क्योंकि मेरी जो बहन है उसने अपनी पूरी जिंदगी दे दी यहाँ पे जो है मुझे ठीक करने में अब जो है मेरी भारी है मैं उसको यहाँ पे जो खुशियां हैं वो जो है देना चाहती हूँ इस वर्ल्ड के अंदर वुल्फ बोलते है की मुझे पता ही नहीं था की ये दोनों यहाँ पे इतना प्यार करती है इसके बाद शैम्पाई का जो मैजिक होता है वो स्टार्ट हो जाता है और शैम्पाई बोलते की ये लव स्टोरी बहुत ज्यादा अच्छी है लेकिन मैं यहाँ पे इतनी अच्छी लव स्टोरी को अपने हाथों से पूरा नहीं कर सकता हूँ नेक्स्ट में इस्तेमाल करते हैं और हिकारी को ठीक कर देते हैं और उन सभी बंदों को ठीक कर देते हैं जिसको यूना ने बूढ़ा किया होता है फिर यूना बोलती कि वैसे अब भाषा क्या होगा तो यहाँ पे नेफ्टीज बोलती कि तुम वापस जी अपने वर्ल्ड में चली जाओगी और फिर ये दोनों गुड बाय बोलते हैं सभी को और नेक्स्ट चीन में जो यूना होती है वो खिड़की खोलती है और ये बोलती है गुड मॉर्निंग हिड़ी उम्मीद है कि तुमने कल रात अच्छे से नींद ली हिकारी बोलती कि हाँ यूना बोलती कि हाँ तुम देखने में काफी खुश लग रही हो इारी बोलती कि मैंने एक जय सपना देखा यूना बोलती क्या तुम तो मुझे अपने सपने के बारे में नहीं बताओ हिड़ी बोलती कि ये सपना था कि जिसमें मैं यहाँ पे दूसरी दुनिया में जय समन हो गई थी अब दोस्तों यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है अब दोस्तों इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म हो जाती है उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी अगर वीडियो अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा जैसे ही आप फोर्टी कमेंट करोगे वैसे ही आपका जो अगला एपिसोड है वो भी जो आ जाएगा तो मिलता हूँ मैं आपको अगले एपिसोड के अंदर जब तक के लिए बाय बाय